राहुल गांधी कितने भी प्रयास कर ले, कितना झूठ बोले, क्योंकि इनका काम है झूठ बोलना। उन्होंने संविधान के चार पन्ने दिखा रहे थे, संवाद कर रहे थे, उनको पता नहीं संविधान कितने पन्ने हैं, तो ये भी याद नहीं, पता नहीं है। तो राहुल गांधी जी खाली जो है हवाबाजी करते रहते हैं, स्टंटबाजी करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये एक सामान्य आदमी का नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग आतंकवादी देशद्रोही का स्टेटमेंट है, ये नहीं चलबो। और वहाँ के जो जनता भोली भाली जनता है उनके हाथ में पत्थर थमा दिए ताकि सैनिकों पर पत्थर फेंको। जो बाहरी लोग जाएंगे यूपी बिहार पंजाब असम के लोग, तो आतंकवाद का जो फील्ड है ना, अलगाववाद का जो फील्ड है ना, वो छोटा पड़ जाएगा। वो उसको छोटा नहीं पड़ने देना चाहता है, वो बड़ा मैदान रखना चाहता है। फिर से कितने सारे लोग आके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, क्या हमने आज तक बोला कि दिल्ली के लोगों का आप आके हनन कर रहे हैं या हमारे लोगों का आप रोजगार खा रहे हैं? क्या हमने बोला? नहीं बोलेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर राहुल गांधी हाल ही में जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां केएलजी पर जुबानी हमला बोला, बीजेपी को भी लेकर उन्होंने हमला बोला, स्टेटहुड की भी उन्होंने बात की। अब इसके बाद इस रैली में राहुल गांधी जो कहते हैं वो आपको भी सुनना चाहिए और सोचना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बाहरी लोग जो हैं वो मार रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बाहरी कौन है और राहुल गांधी बाहरी कह किसको रहे हैं, ये हम जनता के बीच सवाल रखते हैं। इसके अलावा जब उत्तर भारत में रैली होती है और राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं तो आपने देखा होगा कि एक संविधान की प्रति लेकर, यानी एक छोटी सी किताब लेकर पहुँचते हैं, संविधान का किताब बताते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं और उसकी बात करते हैं। पर जब जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं तो संविधान की प्रति, संविधान का कोई किताब उनके हाथ में नहीं दिखता। सवाल ये भी बनेगा, जनता के बीच ये भी सवाल रखेंगे। तो आज की जनता की राय में इन दो सवालों पर जनता क्या कुछ कहती है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम चोपड़ा जी। सर, हाल ही में जो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे, चुनावी रैली किया वहाँ पे, उनका एक स्टेटमेंट था कि बाहरी लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक मार रहे हैं। जनता के तौर पर ये बाहरी किसे कह रहे हैं? बाहरी जो है ना, शेष भारत है ना, जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के जो बाकी भारत है उसको बाहरी कह रहे हैं। क्योंकि देखो, पहले होता था वहाँ जो भी बजट जाता था, ये जब भी ये चीफ मिनिस्टर बने फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा, ये जब भी बने, इनके बाप के टाइम शेख अब्दुल्ला भी बनता था कभी, तो पैसा इनको जो बजट मिलता था वो बजट उन्होंने कभी वहाँ पर है ना किसी की मतलब विकास के लिए नहीं लगाया। वहाँ के जो बच्चे हैं, रोजगार, इनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ते रहे, बच्चे इनके पोते बाहर पढ़ते रहे, उनको बाहर भेज दिया विदेशों में, और वहाँ के जो जनता भोली भाली जनता है उनके हाथ में पत्थर थमा दिए ताकि सैनिकों पर पत्थर फेंको, उनको टारगेट दिए जाते थे। और सारे जो है आज की डेट में देख लो, इनके जो जितने भी कश्मीर के अंदर प्राइम लोकेशन है ना, सब हर जगह इनकी प्रॉपर्टी है। क्या नाम है भैया आपका? जयप्रकाश। अच्छा जयप्रकाश, एक बात बताइए कि उत्तर भारत में जब राहुल गांधी कोई सभा करते हैं तो आपको याद होगा वो संविधान की एक छोटी सी किताब ऐसे लहराते थे, पर जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वो किताब छोड़ देते हैं कहीं? नहीं, उनको पता है ना जम्मू कश्मीर में किसी तरह से लोगों को, पब्लिक को भड़काया जाए, उनको वही काम कर रहे हैं। समझ यहाँ पे भी क्या था कि खटाखट खटाट 1,00,000 देंगे, मुसलमान एक तरफ हो गए, हिंदू बंट गए, इनकी वही चाल वहीं पे है कि किसी तरह से हम अपनी सरकार बनाए, बीजेपी को ना आने दे। लेकिन आएगी वहाँ पे बीजेपी, चाहे कितना भी प्रयास करते रहे, जो मोदी जी जो काम कर देश हित के लिए कर रहे हैं, जो दुनिया भर के मतलब अच्छे काम कर, मोदी जी की सरकार वहाँ पे बने, बीजेपी सरकार बनेगी। राहुल गांधी कितना भी प्रयास कर ले, कितना झूठ बोले, क्योंकि इनका काम है झूठ बोलना। इन्होंने संविधान के चार पन्ने दिखा रहे थे, संवाद कर रहे थे, उनको पता नहीं संविधान कितने पन्ने हैं, ये भी याद नहीं, पता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी खाली जो है हवाबाजी करते रहते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, काम कुछ नहीं, उनको पता भी नहीं है इनको लिख के कौन देता है। वो खुद अपने दिमाग से नहीं बोलते, वो लिख के उनको देता है फिर वो बोलते हैं। उनका अपना दिमाग नहीं है कुछ, क्योंकि जो उनको बोला जाता फिर वही बोलते हैं, उनका अपने वो नहीं है, अपनी कोई मतलब विचारधारा ही नहीं उनकी। अच्छा, उन्होंने एक दो बातें कही रैली के दौरान, उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी आती है तो स्टेटहुड को वापस दिलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कहा कि बाहरी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक को खा रहे हैं। अभी तो लोगों ने वहाँ जाना भी शुरू करा नहीं, अभी तो पर्यटक ही जा रहे हैं ना, अभी लोग अगर वहाँ प्लॉट ले रहे बसने लग जाए, अब तो कश्मीर पंडित जाए पहले। पर अगर दिल्ली वाला जाता है जम्मू कश्मीर तो दिक्कत क्या है? अगर यूपी वाला जम्मू कश्मीर जाता है तो दिक्कत क्या है? वही तो उनको पता, उनको तो पर्यटक बढ़ रहा है ना वहाँ पे। अगर कोई यहाँ से दिल्ली से जाता है तो वहाँ खर्चा ही करता है ना कश्मीर, उनका जो रोजगार बढ़ता है जम्मू कश्मीर, जो और भी जो यहाँ पे पर्यटक बढ़ता है, उनका होटलों का, उनका मतलब
जो भी जमीन यहाँ घूमने जाते पर्यटक, पर्यटक बढ़ावा मिलता ना, जो तो खर्चे होता ना, तो इनको ये दिक्कत है कि वहाँ क्यों शांति चाहते शांति, पहले इनको काम कराते पत्थरबाजी करो पकड़ साथ मिल जाओ, इनका यही काम आतंकवादी वहाँ से घुस के आते थे पहले, आज आतंकवादी बहुत ही कम हो गए, अभी मतलब खत्म नहीं हुए लेकिन बहुत कम हो चुके हैं, और वो खत्म वो इनको इनको क्या पाकिस्तान से मिल जाते हैं, क्योंकि मणिशंकर वहाँ जाके बोलते सरकार को हटाओ समर्थन पाकिस्तान वालों को, इनका वही कहानी राहुल गांधी सोच, जो इंडिया गठबंधन है ना ये सब पार्टी यही की है, केवल बीजेपी है देशभक्ति पार्टी है, बाकी सब पार्टी इनकी एक देश विरोधी पार्टी है, हाँ देश का विरोध करने वाले। आपका क्या नाम है सर? संजीव जी। संजीव जी, राहुल गांधी का जो हाल ही में बयान आया है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये एक तो नेहरू जी जम्मू कश्मीर को लद्दाख को दे दिए, चाइना को उनको दे दिए, इंदिरा जी जो बांग्लादेश वाला युद्ध जीती तो उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर जो गुलाम कश्मीर जिसको हम बोलते हैं वो ली ही नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ये एक सामान्य आदमी का नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग आतंकवादी देशद्रोही का स्टेटमेंट है, ये नहीं चलबो, ये नहीं दूंगा चलने के लिए, नौकरा अगर लेगा ना वो फिर भी 370 धारा वापिस नहीं कर सकता है, जम्मू कश्मीर मेरा है रहेगा, जाऊंगा सब कुछ करूंगा। अच्छा आप हैं कहां से? मैं बिहार से हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर बिहारी जम्मू कश्मीर जाता है, वहां रहता है, वहां जमीन खरीदता है, वहां की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है, तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत हो रही है? राहुल गांधी ने अपने हाल ही के बयान में कहा कि बाहरी आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों का हक मार रहे हैं। दिक्कत ये है जो बाहरी लोग जाएंगे यूपी बिहार पंजाब आसाम के लोग, तो आतंकवाद का जो फील्ड है ना, अलगाववाद का जो फील्ड है ना, वो छोटा पड़ जाएगा, वो उसको छोटा नहीं पड़ने देना चाहता है, वो बड़ा मैदान रखना चाहता है जहाँ कोई नहीं जाए, खुलेआम आतंकवाद का अलगाववाद का बम ब्लास्टिंग का खेल हो, ये बात है। इसीलिए नहीं जान, अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग काम करेंगे, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, हमारी भी नजर रहेगी टुकड़े टुकड़े गेम पर आतंकवादी पर, हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारे फोर्स जो है उसको पूरा पावर है, वो उसको मारेगा पीटेगा अरेस्ट करेगा काउंटर करेगा, ये नहीं होने देना चाहता है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह है। आप मुझे ये बताइए, यहीं पर जम्मू कश्मीर से कितने लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं? लाखों लोग काम कर रहे हैं। आप असम से ले लीजिए, नागालैंड से, दिल्ली के लोग कितने हैं? मैं वही कह रहा हूँ, हाँ दिल्ली में देख लीजिए आप, मुंबई में देख लीजिए आप, वहाँ की लोकल जनसंख्या से ज्यादा यूपी से बिहार से महाराष्ट्र से हरियाणा से, और जहाँ तक की बात आप जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से कितने सारे लोग आके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? क्या हमने आज तक बोला कि दिल्ली के लोगों का आप आके हनन कर रहे हैं या हमारे लोगों का आप रोजगार खा रहे हैं? क्या हमने बोला? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए दिल्ली भी भारत का हिस्सा है, जम्मू भी भारत का हिस्सा है, महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है, और ये राहुल गांधी ने जो कहा है, ये जो शब्द बोले हैं कि यहाँ का युवा वहां जाकर जम्मू में जाकर उनके उनका रोजगार छीन रहा है, तो भाई ये बताइए, क्या राहुल गांधी से मैं ये शब्द जानना चाहता हूँ, क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? तो यह आम जनता की राय थी। हमारे साथ बने रहे, रतम के साथ बने रहे, खबर पॉलिटिकल हो या फिर विदेश से जुड़ी हुई, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार, मैं था आपके साथ अभिषेक।